से बनाओगे? अभी दोबारा से बनाओ। हाँ शायद भाई आपने पानी पिया यहाँ का चश्मे का? जी बिल्कुल, असल में हम लोग जो मदार है बिलावल शाह नूरानी साहब का, उसके तकरीबन आकर में 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो पीछे पहाड़ों में जो मुख्तलिफ रास्ते बने हुए हैं, और बहुत सारे लोग अकीदत का इज़हार करने के लिए इसको खूबसूरती के साथ साथ ऐसी जगह को भी देखते हैं जहाँ के बारे में कुछ बुज़ुर्गों ने, कुछ यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने जो बताया हुआ कि किस दौर में किस वक्त ये कुछ यहाँ वाक़ात रुनुमा हुए थे, तो उस हवाले से इस जगह के बारे में मशहूर है। गूगल दियो के नाम से ये जगह मशहूर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ एक दियो थे जो यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाते थे, तो उनको जो हमारे जो अबाजदाद थे या यहाँ पे जो इबादत गुजार लोग थे उन्होंने यहाँ पर ये बंद कर दिया था। यहाँ बड़ा पत्थर लगाकर दियो इसके अंदर बंद है, और ये जो जगह आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ से पानी जो है चश्मा तब से बह रहा है, और मुसलसल इनका यहाँ मानना है लोगों का कि मुसलसल पानी यहाँ बह रहा है और लोग यहाँ को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लोग क्योंकि ऐसी ये बात है जो लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम देखें कि ये जगह कैसी है और क्या मुकाम है, तो यहाँ ये भी बात है कि इन पहाड़ों के पीछे, जहाँ आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के पीछे जो कहा गया है कि यहाँ पर एक जिन्नात का गाँव है, यहाँ जिन्नात बसते हैं, अगर कोई आदमी यहाँ चला जाता है तो उसको नुकसान पहुँचाया जाता है। कुछ अर्सा पहले ये भी कहा गया है कि यहाँ पर कुछ लोग इजाज़त के बगैर चले गए थे तो उनके सिर्फ कपड़े मिले थे, इंसान यहाँ से गायब कर दिए गए थे, इंसान की हड्डियाँ या कोई उनके बाकियात भी नहीं मिले थे, तो इसलिए यहाँ अब यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो जो दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पर अकीदत का इजहार करने के लिए, मज़ार के पीछे यहाँ जब जाते हैं तो उनको रोका भी जाता है कि आप यहाँ से आगे ना जाएँ, और अगर जाएँगे तो अपनी ही जिम्मेदार पे जा सकते, तो इसलिए यहाँ सख्ती से मना किया गया है। यहाँ लिखकर भी पहाड़ों के ऊपर लगाया गया है कि आप जाएंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, इसलिए लोग यहाँ से आगे नहीं जाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन पहाड़ों के ऊपर जाके कुछ पीछे के रस्तों से जाने की कोशिश करते हैं देखने की, क्योंकि हमारी जो एक अंदर की ख्वाहिश होती है कि हम अक्सर नई चीज़ और नए तरीके से देखने की, और जहाँ से रोका जाता है तो उस चीज़ को मज़ीद देखने की हमारे अंदर जस्तजू होती है, तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं मुख्तलिफ पहाड़ों से पीछे जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ झंडे भी लगाए गए हैं रुकावटों के लिए, जो इंटीमेट किया गया, आगाह किया गया है कि नहीं जाएं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग पीछे से और कुछ लोग इन पहाड़ों से जो है वो मुड़कर जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का कहना है, जो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जो उनसे हमारी बात है, उनका कहना है कि जब ऊपर गए तो उनको कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ के जो मकामी हैं उनका यहाँ मानना है कि पीछे इस तरफ ना जाएँ पहाड़ों के, यहाँ जिन्नात की बस्ती है और आगे मना किया गया है, अगर कोई इंसान चला जाता है तो वो वापस नहीं आता, तो इसलिए जो भी अकीदतमंद यहाँ आते हैं दरगाह पर यहाँ इबादत करने के लिए, यहाँ जो अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए, तो उनको सख्ती से मना किया गया है कि आगे ना जाएं, तो इसलिए लोग नहीं भी जाते, और बहुत सारे लोगों के अंदर ये मसला जब पैदा होता है कि उनको जाना है तो फिर चले भी जाते हैं। तो ज़रा इनसे आप पूछेगा कि क्यों मना किया गया आगे, क्या वजह है? यार आप में से कोई बोलेगा अंदर आगे क्यों नहीं जाने देते, क्या पानी में क्यों नहीं जाने देते, आगे क्यों नहीं जाने देते, मूवी क्यों बना रहे, अपना मूवी बनाओ ना। नहीं वैसे पूछना चाह रहे हैं, इसी वजह से पूछना चाह रहे हैं कि जो लोग आते हैं उधर मूवी बनाओ, पानी का बनाओ, पानी की बनाओ। वैसे आप मुझे बता दें, वो पानी की बनाओ सर, खैरियत है? अरे ऐसी नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए हम आए हैं पहली दफा। अच्छा, लोगों को पता नहीं है, हमें फर्स्ट टाइम आए, तो पानी के चश्मे।